हेलो एवरीवन, सो हम आज एक क्विक रीडिंग देखने वाले हैं और वो रीडिंग है व्हाट गुड न्यूज एंड रिलीफ कमिंग फॉर यू। बहुत जल्दी से आपके पास क्या न्यूज गुड न्यूज आ रही है और किस चीज की रिलीफ मिलने वाली है आपको, आज हम वो रीडिंग देखेंगे। रीडिंग बहुत छोटी होगी, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे उसको रखें, जो रेजोनेट ना करे जाने दें। सभी जेंडर्स के लिए रीडिंग है और न्यू टॉपिक्स के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे हमेशा से ही नए नए टॉपिक पे रीडिंग आती, तो आप चाहे तो वहां चेक कर सकते हैं। और प्लीज अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और देखिए अच्छी अच्छी रीडिंग आपको मिलेगी एंड टाइमलेस रीडिंग। मेरी रीडिंग जो होती है ऑलमोस्ट टाइमलेस होती है। सो व्हाट गुड न्यूज रिलीव कमिंग फॉर यू क्विकली, क्या आ रही है न्यूज, गुड न्यूज आपके लिए, क्या राहत भरी खबर मिलने वाली है आपको, सो देखते हैं और Let's see what good news and relief coming for you. पहले इंटरप्ट से देखेंगे what good news. Let's see. पहला है King of Cups. King of Cups and what good news and relief coming for you. Relief coming for you. So. यहाँ पे है फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप। तो गुड न्यूज तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आप ऐसे जितने लोग भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, करियर वाइज भी और लव के मामले में भी। किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स अगर आपकी लाइफ में उथल पुथल चल रही है तो आप इमोशनल बैलेंस होने वाला है बहुत जल्दी। आपको कोई प्रपोज करने वाला है और जो आपके दिल और दिमाग में उथल पुथल मची हुई है, ब्रोकन है, हार्ट ब्रोकिंग है, किसी भी रिलेशनशिप से आपको कुछ मिला नहीं और धोखा हुआ, वहां पे आपका हार्ट ब्रोकन हुआ, तो अब समय आ गया है आपके पास एक नया प्रपोजल आने का। और ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको प्रपोजल दे रहा है जो आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा है और बहुत ही अच्छा और सच्चा इंसान है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और आपका दिल और दिमाग बिल्कुल भी बैलेंस में आने वाला है और थोड़ी सी बुद्धि भी आपको आएगी। आपको जो प्रॉब्लम्स हुई पास्ट लाइफ में या अभी जो कुछ समय पहले आपके लाइफ में बहुत कुछ हुआ जो निगेटिव था, तो अपनी बुद्धि से आप अब काम लेना शुरू करेंगे। पहले आप जाने अनजाने में कोई भी फैसला ले लेते थे, लेकिन आप सारी चीजों को बैलेंस करके फैसला लेना सीख जाएंगे और बहुत ही जल्दी आपको कोई केयरिंग पर्सन मिलेगा और फ्रेंड भी मिल सकता है, लॉयल पर्सन होगा। किसी के लाइफ में फ्रेंड भी आ सकता है, ऐसा ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लवर आ सकता है। आपकी लाइफ को हील करने के लिए कोई फ्रेंड भी बहुत तेजी से आपके पास आ रहा है और लवर्स के लिए सबसे अच्छा टाइम आने वाला है। बहुत अच्छी न्यूज ये निकल के आ रही है कि बहुत ही रोमांटिक समय बीतने वाला है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो वहां एक रोमांस शुरू होगा एंड बहुत इजी गोइंग जाएगा। किसी की शादी हो सकती है, आप में से किसी पर्सन की शादी हो सकती है। हालांकि कोई चांसेस है कि कोई डाइवोर्स इंसान आपके लाइफ में आ सकता है या सेपरेटेड इंसान आ सकता है जो एक गुड हस्बैंड पार्टनर साबित होगा आपके लिए। फेथफुल भी रहेगा वो पर्सन और बिल्कुल भी आपको एक डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलने वाली है अपने आगे की जिंदगी को देखने के लिए। करियर वाइज में भी बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं आप और डिवोटेड रहेंगे अपने काम के प्रति। जो काम सही नहीं जा रहा था, अप्स डाउन जा रहे थे, वहां भी बैलेंस आएगा, तो करियर के लिए भी बहुत अच्छा समय है। गुड न्यूज एक तो ये हो गई। अब एक बड़ी रिलीफ ये आ रही है कि देखिए फाइव ऑफ सोर्ड्स है, निगेटिव कार्ड है, जैसा कि आपको पता होगा अगर आप जानकारी रखते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि फाइव ऑफ सोर्ड्स तो निगेटिव कार्ड होता है, लेकिन रिलीफ, क्योंकि ये गुड न्यूज और रिलीफ की रीडिंग है, तो यहाँ सबसे अच्छी चीज है कि किसी के साथ टकराव आपका जो चल रहा था वो टल जाएगा। किसी के साथ टकराव की संभावना थी, चाहे आप एक पार्टनर के साथ टकराव हो, फैमिलीज के साथ हो, या किसी एनिमी, किसी दुश्मन के साथ टकराव की संभावना बन रही थी, वो टकराव टल जाएगा। जिन चीजों पे फैमिलीज में एक राय नहीं बन रही थी, तो वहां पे आप एक राय बना पाएंगे, अपने फैमिली के साथ तालमेल बिठा पाएंगे। आपको जो हार का डर था, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं
या कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वहां आपको हार का डर था, तो वो हार आपसे दूर चली जाएगी और वो जीत में बदलेगी। और किसी भी कीमत पे आपको जीत मिलने वाली है अपने करियर में, अपने कोर्ट केसेस में, या किसी भी चीज के लिए अगर आपने उस चीज को एक जीत की तरह लिया है और हारना नहीं चाहते हैं, तो वहां पे आप किसी भी कीमत पे जीत जाएंगे। पॉलिटिक्स में भी हैं तो वहां पे भी अच्छी संभावना है जीत की आपकी। किसी के साथ जो गुस्से का माहौल था, आर्गुमेंट का खतरा था, टकराव की स्थिति थी, वो तो टल जाएगी और सरेंडर हो जाएगा, उन लोगों का सरेंडर आपके सामने हो जाएगा जो आपसे टकराव करना चाहते हैं। चेंज आने वाला है। 5 की एनर्जी भी है तो चेंज, एक नया चेंज आएगा। एक राहत की खबर है कि जो नेगेटिव चीजें चल रही थी वो बदलेगी पॉजिटिव चीजों में और चेंज होगा। और जो भी चीजें अच्छी नहीं थी आपके लाइफ में, वहां आपको विक्ट्री मिलने वाली है। जो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे या कहीं भी करियर भी अच्छा नहीं जा रहा था और आपको एक डर था कि कहीं आप पीछे ना छूट जाए, तो वहां आपको विक्ट्री मिल रही है। फाइट बैक करेंगे आप, बिल्कुल भी वापस आएंगे, ओवरकम करेंगे, चैलेंजेस से ओवरकम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, हार के आगे जीत है, वही कहानी आपकी होने वाली है। अगर आप अभी हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहे वो करियर में हो चाहे लव में हो, आपको जीत मिलने वाली है। आपको प्यार का प्रपोजल और काम का ऑफर भी मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि काम का ऑफर मिल सकता है, कोई आपको प्रमोशन भी हो सकता है, बिजनेस में आप स्टेबल भी हो सकते हैं, ये बड़ी बात निकल के आ रही है यहाँ पे। और चैलेंजेस से तो आप बिल्कुल भी उबर जाएंगे। तो एक अच्छी खबर यहाँ पे टैरोट से ये निकल के आई है कि आपको प्यार तो मिलेगा ही, करियर में भी अच्छी संभावनाएं हैं। जो धोखा आपको होने वाला था, टकराव या किसी के साथ कोई गलत व्यवहार होने वाला था, वो चीज टल जाएगी, वो चीज नहीं होगी, बल्कि आप बिल्कुल भी जीत मिलेगी आपको। किसी भी क्षेत्र में जीत मिलने वाली है और ये चीज बहुत जल्दी होगी। चलिए आइए हम देखते हैं यहाँ पे एंजल क्या बोलना चाहते हैं। लेट्स सी एंजल क्या बोलना चाहते हैं गुड न्यूज रिलीज के मामले में। एंजल का क्या राय है, लेट्स सी क्या बता। लेट गो, यहाँ पे एक राय दिया जा रहा है आपको एंजल की तरफ से कि लेट गो कर दीजिए। अगर आपका लाइफ निगेटिव वे में जा रहा था या आप निगेटिविटी से गुजर रहे थे, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ पास्ट में, तो उसको लेट गो कीजिए। आने वाले अच्छी चीजें आपका वेट कर रही हैं। लेट्स सी और देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं एंजल। सक्सेस ऑन द होल सक्सेस मिलने वाली है करियर और प्यार में या प्रॉपर्टी में, मनी में सक्सेस मिलेगी आपको। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं जा रही है तो हेल्थ भी धीरे धीरे हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर यही गुड न्यूज और रिलीफ की सबसे बड़ी आज की जो रीडिंग है, सबसे बड़ा न्यूज है सक्सेस। ओवरऑल आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलने वाला है, गुड न्यूज यही निकल के आ रही है। आइए हम देखते हैं कि क्या सजेशन या कुछ न्यूज मिल रही है। अदर डेक से भी देखते हैं डिवाइन और क्या कहना चाहते हैं आपको गुड न्यूज रिलीफ के मामले में, क्या कुछ हो सकता है। फुल मून का कार्ड आया है यहाँ पे। आपको सबसे पहले बोला जा रहा है कि सरेंडर टू द डिवाइन, यानी कि डिवाइन अपने ईश्वर हैं, जो भी आपके ईश्वर हैं, जिस रिलीजन से भी आप ताल्लुकात रखते हैं, वहां आप बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। दैविक शक्तियां आपके लिए काम कर रही हैं, डोंट वरी, ईश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं। लेट्स सी। थर्ड क्वार्टर मून का कार्ड है। यहाँ पे आपको एक सजेशन दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तालमेल बिठाने की भी जरूरत है आपको। ऐसा नहीं कि कोई चीज जब अच्छी होने वाली है आपके साथ तो वहां आपको बैठ जाना, बिल्कुल नहीं, आपको तालमेल बिठाना होगा। जहां टकराव की स्थिति बन रही है, जहां बैलेंस नहीं बन पा रहा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, उससे आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी। सो आज की हमारी गुड न्यूज एंड रिलीफ की रीडिंग अभी खत्म हुई, फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।